हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब मालपुआ किसको अच्छा नहीं लगता, आप इसको खोए के साथ भी बना सकते हो, कंडेंस मिल्क के साथ भी बना सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैंने इसको मिल्क पाउडर के साथ बनाया है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो मालपुआ बनाने के लिए जो आपको सामान चाहिए होगा वो है मैदा, मिल्क पाउडर, सूजी, सौंफ और दूध। मैंने जितना मैदा लिया है उतना ही मिल्क पाउडर लिया है, थोड़ी सी सूजी ली है और दूध मैदा और सूजी को मिला कर लिया है। अब अपने बोल में आप मैदा, मिल्क पाउडर, सूजी और सौंफ को पहले डालना, उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना और फिर ही बैचेस में आपको दूध डालना है। यानी कि आप थोड़ा सा दूध डालना और फिर उसको पहले मिक्स करना और फिर थोड़ा और दूध डालना और फिर उसको फिर से मिक्स करना। इससे ये होगा कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं आएंगे और हमारा बैटर एकदम स्मूथ बनेगा। और अब यहाँ पर आप अपना आखिरी बचा हुआ दूध भी डाल देना और उसको भी अच्छे से मिला देना। और ये देखो, आपको ऐसा बैटर मिलेगा। थोड़ा सा लिक्विडी ही चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सूजी भी है, तो सूजी फूलेगी भी तो ये अपने आप ही थोड़ा गाढ़ा होगा। तो अब इस मालपुए के घोल को आपको लगभग 4 से 5 घंटे फर्मेंट होने के लिए रखना है, तभी मालपुआ बढ़िया बनता है। फर्मेंट करके ही मालपुआ का वो टेस्ट आता है। तो अब आप इसको ढक के रख दो लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। अब जब 4 घंटे होने वाले हैं तो मैं यहाँ पर पहले चाशनी बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, तो 1 कप ही ली है चीनी। अब यहाँ पर आपको मालपुआ बनाने के लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी, आपको सिंपल सी चाशनी बनानी है, जैसे बिल्कुल शहद का टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसी चाशनी बनानी है। तो आप यहाँ पर चीनी और पानी को अच्छे से इसको मिलाते रहे। ये चीनी बहुत ही जल्दी पिघल जाती है। अच्छा, आपकी चीनी अच्छे से पिघल जाए तो यहाँ पर डालें आप थोड़ा सा केसर अगर आप डालना चाहते हैं तो, और पिसी हुई इलायची का पाउडर। और अब चेक करने के लिए आप थोड़ी सी चाशनी को एक प्लेट में डाल देना, जैसे ही वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो ये देखो आप, उसका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा ऐसा होना चाहिए। इसमें तार तो नहीं बन रही लेकिन ये थोड़ी सी गाढ़ी है, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर चाहिए। तो बस आपकी चाशनी भी तैयार है। अब ये है हमारा बैटर 4 से 5 घंटे बाद। आप देख सकते हो कि ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, थोड़ी सी विस्कोसिटी इसकी चेंज हो गई है और थोड़ा डेंस हो गया है। तो टाइम हो गया है इस पुए को फ्राई करने का। तो मैं यहाँ पर अपने तेल को रखे लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे। इस मालपुए को बिल्कुल भी ना पकाएं, ना हाई फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और आप लो फ्लेम पे रखे अपने गैस को। और जब आपको लगता है कि आपका तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले थोड़ा सा बैटर गर्म तेल में डालना। अगर ये एकदम से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब आपका तेल तैयार है, अगर नहीं आता तो फिर आप थोड़ी देर तेल को और गर्म होने दें। लेकिन अगर एकदम से ज़्यादा ऊपर आ जाता है, बबल छोड़ने लग जाता है, तो आप गैस को बंद कर दें और तेल को थोड़ा ठंडा करें, क्योंकि मालपुए को आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है। और जब तेल गर्म हो जाए अपनी करछी से पुए के बैटर को एकदम बीचों बीच डालें। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी पुआ एकदम सही बनता है। जैसे कि आपको एक करछी से डालते हुए छटकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको छटक दोगे तो आपके पुए में छेद हो जाएंगे। बिल्कुल एक ही मोशन में आपको एक ही जगह पर डालना है। जब आपका बैटर खत्म हो जाए तो करछी को आप एकदम घुमा देना और उसको तेल से हटा देना। ये देखो आप, ये अपने आप ही गोल बन जाता है एकदम। और कैसे फूलने लग गए हैं। अब इसको पलटना भी कोई नौटंकी से कम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। आपको 2 करछियां चाहिए होंगी यहाँ पर, या 2 ऐसी चीजें चाहिए होंगी पलटने के लिए। आप एक साइड से इसको नीचे से पकड़ना और दूसरी साइड से सपोर्ट के लिए, ताकि तेल बाहर ना आ जाए, इसको बहुत ही ध्यान से पलटना। ये देखो आप, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और कितना गोल मालपुआ बना। बस आपको उसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, आपके मालपुआ पूरा पक चुका है। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही आपका मालपुआ पूरा पक जाएगा। और अब इसमें से थोड़ा सा उठा के ऐसे आप तेल निकाल देना है, जितना भी तेल होगा, और सीधा इसको चाशनी में डिप कर देना। अब बस इतना आसान है मालपुआ बनाना। ये देखो आप, मैं आपको एक ये छटक के भी दिखाता हूँ कि जब आप ये बैटर ऐसे डालोगे और एंड में छटक दोगे तो ऐसे देखो इसमें छेद आने लग जाते हैं और ये पूरे फट जाएंगे। और आप फिर कितना भी तेल डाल लो, कुछ भी कर लो, ये जुड़ने नहीं वाले। और यही अगर ढंग से डालूंगा, जैसे मैंने आपको बताया है ना, तो ये फटते नहीं है। अब ये देखो, मैंने साइड में दिखाया भी है, ये बिल्कुल भी नहीं फटा, छोटा सा, और कितना बढ़िया फूला है। और बाद में जब आपको साइड बाय साइड दोनों दिखाऊं तो आप ये खुद ही देख सकते हो कि छटकने से कितना फर्क पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखना। बस अब ऐसा नहीं है कि आपको 4 से 5 घंटे ही फर्मेंट करना है तभी रेसिपी बनेगी। नहीं, आप चाहो तो आप इसको 1 घंटे भी कर सकते हो फर्मेंट, 2 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन 4 से 5 घंटे में जो रिजल्ट आता है, जितना बढ़िया मालपुआ बनता है,
उसकी कोई वो है नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर मिले।